हल ही वो काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, और उस समय पर मैग्नेटिक कंपास का उतना सही प्रयोग नहीं हुआ करता था, तो लोग इस्तेमाल करते थे चार्ट, स्टार चार्ट्स। तो स्पेलिंग्स कैसे बनाएंगे, स्पेलिंग्स का रूल कैसे होगा, और जो स्पेलिंग्स के अनुसार किताब छपने पड़ेगा, स्कूल्स पे जाने पड़ेगा हम लोगों को, और ये है सब शिक्षा सबके लिए। ही स्पोक अबाउट इट, यूनिवर्सलाइजेशन सबके लिए, फॉर मेन वीमेन, फॉर द मार्जिनलाइज्ड, फॉर द डिस्क्रिमिनेटेड, सबके लिए। अगर सबको ये सीखना है तो हमें एक तरह की बंगाली लैंग्वेज चाहिए जिनके साथ संबंध सबका होगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड, ही कैन अंडरस्टैंड। इन तमिल फॉर एग्जाम्पल तमिल लैंग्वेज हैज वेरियस लेयर्स। माई वाइफ इज अ तमिलियन, बट शी विल से आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द मदुरई तमिल, ओके। और जो तमिलनाडु में जो रहते हैं, अमंग्स द तमिलियन ऑल्सो, दे विल से नहीं, आई कॉन्ट अंडरस्टैंड जयललिताज तमिल, ओके। बट यू हैव टू मेक द लैंग्वेज विच इज कॉम। टेक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हर्ड, जब आप लोग संस्कृति के बारे बोलते हैं, अवर कल्चर, आई हैव हर्ड तमिलियंस यूज टू वर्ड्स। कई लोग कहते हैं पनपड़, और कई लोग कहते हैं कलाचारम, लेकिन आजकल लोग कलाचारम ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके साथ कल्चर का एक संबंध है, कल्चर वर्ड के साथ। इट साउंड्स लाइक कल्चर। हमारे बंगाली में कल्चर वर्ड नहीं था पहले, आज से एक 100 साल पहले वी डिडंट हैव दिस वर्ड कॉल्ड संस्कृति टू मीन कल्चर, इट वॉज नॉट देयर इन एनी इंडियन लैंग्वेज फॉर दैट मैटर। इसको लाया कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ उनका लेटर्स टू अदर्स, ही वॉज आस्किंग अदर्स, लोगों को कह रहे थे कि देखो हमारे जो कल्चर के अनुसार कोई प्रतिशब्द हमारे लैंग्वेज में नहीं है। हम कभी कहते हैं कृष्टि, लेकिन उन्होंने ये कहा, बंगाली में कहता हूँ आप समझेंगे, कृष्टि कथाटा ठीक किंतु मिष्टि नए, ही तो कृष्टि एज ए वर्ड ये ठीक ही है लेकिन मीठा नहीं है ये। फॉर कल्चर वी शुड यूज ए मिष्टि वर्ड। सो तो फाइनली इट केम एज संस्कृति, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुनीति कुमार चैटर्जी, एंड ही वॉज अ ग्रेट लिंग्विस्ट। हिज वर्क इज ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, ऑफ द बंगाली लैंग्वेज, एंड ही एक्चुअली बोरोड इट फ्रॉम मराठी। इन मराठी द वर्ड वॉज इन यूज, बट वट वॉज नॉट यूज एज संस्कृति टू मीन कल्चर। And Tagore had said, because culture is a new word in any language, because it is a new word, because it is a post-industrial revolution word. This is a word which came after 1789, even in Europe, to be first used in Germany as Kultur. Kultur today has become culture. And we Indian languages did not have. So you can never say, a language is my language or his language. A language is dynamic, and this is one part in our discussion on scientific temper also we can use. Why is it for in Karnataka, my mother tongue is Bengali, but actually none of us live in Bengal. I am from Karnataka and he is from Jharkhand, okay. So even our languages are at times different, though we understand each other, sometimes these are different. तो जैसे मैं कहूँ कि कर्नाटक में अगर आपको कहना है कि वर्किंग क्लास, वर्कर, तो साउथ में हम लोग कहते हैं कार्मिका, और नॉर्थ कर्नाटक में हम कहते हैं नौकर। सो इट इज विद इन द सेम स्टेट, इन द सेम लैंग्वेज, दीज डिफरेंसेज आर देयर। हाउ डिड आवर अल्फाबेट्स इमर्ज? This is what I would come again.
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ऐसे उन्हें समझा कि अगर हमें पुस्तक छापना है और लोगों को लिखना है, इवन अल्फाबेट यूजर्स मेनली युक्ताक्षर्स इन कन्नड़ा वी कॉल वत्ताक्षरा, ओके, वी हैव टू सिंप्लीफाई देम एंड वी शुड सिंप्लीफाई इन ए वे, ऐसे तरह से करना चाहिए कि ताकि हम इसका टाइप फॉन्ट बना सकें, सिर्फ कलम से लिखने का नहीं है। पहले पुस्तक ऐसी इस तरह की पब्लिकेशन नहीं थी, इट वॉज ऑल कॉपिंग बाई हैंड, ऑल बुक्स वर हैंड कॉपीड एट वन टाइम अंटिल गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस केम। बट प्रिंटिंग प्रेस में सिर्फ प्रिंटिंग होने के लिए हमें फॉन्ट टाइप्स चाहिए, और फॉन्ट टाइप्स कौन बनाएंगे, वो है ब्लैक स्मिथ्स। तो खुद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्लैक स्मिथ्स के साथ बैठ के ये बनाते थे कि हाँ देखो ऐसे ये ट्रायंगुलर आएगा तुम्हारे फॉन्ट में, अगर ट्रायंगुलर नहीं होता इसको थोड़ा गोल कर दो। सो दिस इज द वे, एंड मुझे कहना है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साइंटिफिक टेंपर। ये जो हम लोग कह रहे हैं कि हाँ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ये सब, ये कैसे हो पाता अगर वी डिड नॉट हैव एज एन एलिमेंट्री स्टेज गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस, एंड गुटेनबर्ग वॉज नॉट इंडियन, वो जर्मन थे, उनका ये था प्लान था टू फाइनली प्रिंट द बाइबल। अगर वो सब नहीं होता, वेयर वॉज आवर प्रिंटिंग प्रेस, वेयर वॉज दिस। हमारे जो भी हो नेताओं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब इस ऐसी मैकेनिज्म की इस्तेमाल करते हैं कि क्योंकि इसके बावजूद ये इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है, हमारे पुराण में नहीं है, क्योंकि पुराण में जो था, जो पब्लिक मीटिंग्स हुआ करता था वो था बिटवीन ए ऋषि एंड स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, 20-30? अगर अब चिल्लाए भी ये रूम का, अगर थोड़ा बड़ा रूम हो, हॉल हो, वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। क्यों नहीं पहुँचे, वो फिर है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉल्स एज वन अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये दुगना हो जाए तो इंटेंसिटी कम जाएगा बाय 1/4, तो कैसे पहुँचेगा। हमारे वोकल कॉर्ड तो वही है क्योंकि हम वही सेम स्पीशीज के हैं, हाँ ये नहीं हो पाता। तो इसी तरह से हमें साइंटिफिक एटीट्यूड जो लाना है, इसको ये हिस्ट्री ऑफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसी के साथ जोड़ के देखने पड़ेगा। को समझाए कैसे लोगों को के साथ डायलॉग शुरू करें, फिर उससे आगे बढ़ेगा। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू से कि हिस्ट्री ऑफ साइंस ऐसे ठीक तरीके से, क्योंकि बहुत मिथ भी पैदा हो जाते हैं, मिथ्स, जैसे एक है न्यूटन एंड फॉलिंग एप्पल। तो फॉलिंग एप्पल ट्री क्यों, आप आइए केरला में, ये कोकोनट ट्री मिलेगा आपको, वहाँ से आप डिस्कवर कीजिए इनवर्स स्क्वायर लॉ, किसी ने किया अभी तक, उससे भी हाइट। दिल्ली में जाइए, मुंबई, बेंगलोर में कितने सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं, वहाँ से ईटा फेंक के आप ये इस तरह की लॉ डिस्कवर कर पाएंगे, अगर हो तो किसी ने कोशिश क्यों नहीं किया, ये भी एक सवाल है। क्योंकि सब मिथ्स, हाँ क्वेश्चन इज देयर आर मेनी मिथ्स आल्सो कम अबाउट विद दिस डिस्कवरीज, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स इज द मिथ ऑफ इनवर्स स्क्वायर ऑफ न्यूटन एंड फॉलिंग एप्पल। न्यूटन मस्ट हैव सीन इट फ्रॉम ए फॉलिंग एप्पल ट्री विच मे बी अबाउट 10 feet हाई, बट इफ यू कम टू द कोस्ट ऑफ केरला यू विल सी फॉलिंग कोकोनट्स फ्रॉम 30 feet हाइट। व्हाई इज नोबडी यूजिंग दैट टू डिस्कवर इनवर्स स्क्वायर लॉ? और इफ यू गो टू सिटीज टुडे यू विल गेट स्काई स्क्रैपर्स, बॉम्बे, बेंगलोर, यू कम स्काई स्क्रैपर्स 17-18-30 फ्लोर्स, व्हाई कैन यू ड्रॉप ए स्टोन एंड डिस्कवर दैट लॉ? This is a question, because there is a myth that he discovered from the falling apple. It was actually discovered from very complex processes, including astronomy, including Kepler's law. Calculations, yes. Including Kepler's law. Kepler's law, and apart from Kepler, it was Halley's observations. Halley, वो काम करते थे East India Company में, और उस समय पर magnetic compass का उतना सही प्रयोग नहीं हुआ करता था,
तो लोग इस्तेमाल करते थे चार्ट, स्टार चार्ट्स।